पिछले कुछ दिन से मैंने न्यूज़पेपर में सुना है और मैंने देखा भी है फेसबुक सोशल मीडिया पोस्ट में, जिन लोगों को मैंने कैंडिडेट नहीं देके एमएलए बनाया, जैसे कि साबरूम से बुरुंगनांग जितेंद्र चौधरी, अगर तिपरा मौथा कैंडिडेट देता तो वो आज असेंबली में बैठता नहीं। वो मुझे फ्रॉड कहता है, वो हमारे तिपरा मौथा के लीडर्स को फ्रॉड कहता है। 25 साल तक सीपीएम ने हमारे ऊपर शासन किया, उससे पहले 10 साल और किया निपेन चक्रवर्ती के अंदर। तिपरासा का वोट लेकर सीपीएम पावर में आता था, लेकिन हमको मिला क्या सीपीएम से? आइडियोलॉजी। आपने पेट में खाना नहीं दिया, आपने घर के ऊपर छत नहीं दिया, बच्चे को शिक्षा ठीक से नहीं दिया। आज भी हमारे लोग पीछे हैं क्योंकि 35 साल तक सीपीएम ने राज किया, पहले 10 उसके बाद 25 साल। हमारे वोट से जीतते थे, हमको क्या मिला? हमारे कम्युनिटी को क्या मिला? और आज वो मुझे फ्रॉड कहता है जिसने सब कुछ दाव में लगा दिया अपने लोगों के लिए फाइट करने के लिए। बीजेपी से भी एक दो लीडर्स लोग बोल रहे कि तिपरा मौथा खत्म हो चुका है, तिपरा लैंड का डिमांड अब बागरा नहीं करेगा। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के अंदर तिपरा लैंड है, ग्रेटर तिपरा लैंड है। मैंने किसी को उकसाया नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे दिल के अंदर जो बात है, हमारे तिपरासा के अंदर जो दिल का बात है, वो ख़त्म हो चुका है। अगर मुझे पोस्ट चाहिए होता तो मैं इलेक्शन के पहले भी ये पोस्ट ले लेता, लेकिन नहीं लिया क्योंकि मैं अपने कम्युनिटी के लिए फाइट करना चाहता हूँ। मुझे इलेक्शन में, मुझे पॉलिटिक्स में कोई लोभ लालच नहीं, अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। गलत बात है ये? अगर आपको गलत बात लगता तो ये गलती मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य के बारे है। मैंने बहुत दिन से बात नहीं किया है, आज करना चाहता हूँ। ये लोग बीजेपी किसी भी एक दो जो जनजाति लीडर्स है, 100 को ले लिया। अरे आप 100 को लो, हमारे लोग के पास भी पैसा का कमी है, जा रहे हैं क्योंकि उनको सुविधा चाहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप तिपरा मौथा को तोड़ना चाहते हो, कोशिश करो। तिपरा मौथा टूट जाएगा लेकिन ग्रेटर तिपरा लैंड का डिमांड नहीं टूटेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का भी डिमांड खत्म नहीं होगा। और शर्म करो, अपना ही तिपरासा होकर, अपना ही तिपरासा को कुछ नहीं दे रहा है आप लोग। इलेक्शन के पहले मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बारे बात किया, आज क्या बात कर रहे हो? आप बीजेपी सेंटर में है, स्टेट में है, डिमांड करो, नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली का बीजेपी अलग है, स्टेट का बीजेपी अलग है। दिल्ली का सीपीएम अलग है, स्टेट का सीपीएम अलग है। दिल्ली का कांग्रेस अलग है, स्टेट का कांग्रेस अलग है। तिपरासा के बारे कोई परवाह नहीं करता स्टेट में, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है। मैं अपने लोगों का अधिकार के लिए फाइट करूंगा, हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फाइट करूंगा। और बुबागरा डरता नहीं है, जब शेर चुप हो जाता है ना, वो अपना नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो मेरा चुप रहना आप डर मत समझिए। आई लव माई तिपरासा पीपल। और जो लोग हमें फ्रॉड कहते हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, मणिपुर से स्टूडेंट किसने लाया आपने पॉकेट लगा का? आप तो पावर में है ना, आप तो एमएलए भी हैं, आप क्यों नहीं एक स्टूडेंट को भी वापस क्यों नहीं ला सकते खुद का पॉकेट का रुपया लगाकर? कोरोना के टाइम कितने हजार को लेके आए, आपने एक को लाया नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, खुद के जेब के अंदर हाथ डालकर पैसा निकालकर अपने कम्युनिटी को हेल्प करना बहुत मुश्किल है। मंत्री थे, एमपी थे, अब क्या हुआ? बुबागरा विल कीप ऑन फाइटिंग फॉर हिज पीपल। बुबागरा लव्स हिज पीपल एंड हिज कम्युनिटी, एंड बुबागरा इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज हियर टू हेल्प हिज कम्युनिटी। अपना लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। आपको नेतागिरी करना है, करो, मैं अपना काम करता हूँ। और जो कांच के घर में रहते हैं ना, किसी और के घर में पत्थर मत फेंको, नंगे हो जाएंगे। इसके लिए ये मेरा वार्निंग ले लो और
देखो मैं क्या करता हूँ अपने लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बेलाइनो हम भाई।